गोला थाना क्षेत्र में 17 साल की नाबालिग का घर से अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के पास के ही दो युवक लड़की को जबरन घर से ले गए और सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पास्को एक्ट की धाराओं के तहत अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म व मारपीट के मामले में केस दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद लड़की को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात 8 बजे के करीब लड़की घर में थी। इसी दौरान दो युवक उसके घर आए और कुछ बातचीत की। इसके बाद वो लोग उसे लेकर बाहर आए और कहीं लेकर जाने लगे। लड़की ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसका मुँह दबा दिया। वो लोग उसे धमकी देते हुए गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक मंदिर के पास ले गए और सुनसान जगह देखकर दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी बगल के ही गांव के रहने वाले हैं। एसोगोला हेमंत पांडे ने लड़की के पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर मुख्य अभियुक्त अर्जुन और महेश उर्फ छोटू सहित दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नाबालिग लड़की की माँ और SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, जब वहाँ गए नहीं ओकरे बाद से ये लोग के लगे फोन करी नहीं, ये लोग तब वहाँ जगह नहीं ना ओकरे बाद से चार ही और फोन हो के लगन का देख लूँ वहाँ पे जाके लड़की पहली अपनी लड़की का हम देखनी भी हो कैसा रहल कपड़ा पर देख रहल कपड़ा है ये रहल बस हाँ नीचे का कपड़ा रहल नीचे के होश में रहल लड़की ना ही होश में नहीं बेहोश है तो पुलिस को बुला लूँ हाँ पूछताछ भइल अंदर हां बतौलो सब बयान दे देलु जौन हम देखानी कौन बतौनी है ठीक ओकरे बाद से लड़की जौन बतौले बा तो लिखा 15/8/2020 को थाना गोला में एक क्राइम लिखा गया था जो 711/2020 अंडर सेक्शन 363 376D 326 IPC व 5/6 पॉस्को एक्ट में, जिसमें एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की बात थी, जिसमें उसको परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी, मुकदमा पंजीकृत किया गया, लड़की का मेडिकल कराया गया और आज दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें एक जो अभियुक्त मेन जो अभियुक्त है वो अर्जुन उसका नाम है, जो पास के गांव का रहने वाला है, और उसी का दोस्त एक महेश उर्फ छोटू था, उसकी भी गिरफ्तारी कर ली गई है और इस प्रकार अग्रिम जो विधिक कार्रवाई की जा रही है।